सुप्रभात पिलामाने आज यही ईशु विद्या पाठशाला को तुम मानों को बहुत बहुत स्वागत पिलामाने आमे तृतीय विभक्ति संबंधर पढ़ुथले नकि वर्तमान आमे पूर्व क्लास रे तृतीय विभक्ति रो पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द एवं क्लीबलिंग शब्द गुडी कर व्यवहार किभळ हुए एकवचन रे द्विवचन रे बहुवचन रे पढ़ुथले वर्तमान आमे आउ केतरे शब्द पढ़िबा जहाँ की प्रथम विभक्ति रे ता रूप किभळ थिला एवं तृतीय विभक्ति रे ता रूप किभळ होची हे देख पिला माने अछि हला एहा कुमु लिखि दे ब्लैक बोर्ड रे तुम जो खाता रे लिखि पकाओ ताले बालक शब्द का लिखिबा ना की बालक शब्द रो प्रथम विभक्ति एकवचन कोन थिला बालक ह किंतु तृतीय विभक्ति कोन हबो मा बालकेन बालकाभ्याम बालकहि हला वर्तमान मुझे पढ़ेबी एगुड़क सब है कौन ना पुलिंग शब्द हला पुलिंग शब्द पर जे सब अकारंत पर इकारंत पर जहाँ थी उकारंत पर सब मुझे लिखी है तापर पढ़े स्त्रीलिंग अच्छा बालकटा हूँ पुलिंग नुक तेणु प्रथम व्यक्ति थिला बालक हाँ कि तृतीय विभक्ति रूप किभला बालके न बालकाभ्याम बालक ही नुक से हीपरी देखा गज हाँ कौन हम गजे न गजाभ्याम गज ही हाँ कि ना से हीपरी अश्व कौन हम अश्वे न अश्वाभ्याम अश्व ही है गोटे अश्व द्वारा दुईट अश्व द्वारा अनेक अश्व द्वारा देख पे मैंने कौन खाई विराह ना कि अच्छा ताले तृतीय विभक्ति रे ता रूप किभली हम ना बीरेण बीराभ्याम विरही देखे दिखे पे मैंने विरह ना कि विरह कौन हम बीरेण बीराभ्याम बीरही ना कि से हीपरी बानर कमी हम बानरेण बानराभ्याम बानरही छात्र कमी हम छात्रेण छात्राभ्याम छात्रही बुझे ना शिक्षक कमी हम शिक्षक न शिक्षक शिक्षकाभ्याम शिक्षक ही बुझे नाई ताहले जतक सबू अकारांत शब्द ना कि बालक गज बीरह शिक्षक जो कहली ना कि अश्व ये सब हूँ कौन अकारांत शब्द ताले अकारांत शब्दर शब्द गुड़िक प्रथम विभक्ति रे ता रूप किभळ हुए एवं तृतीय विभक्ति रे एकवचन रे द्विवचन रे बहुवचन किभळ हुए ता तमन जानिल ना कि वर्तमान आम देखा आकारांत पर स्त्रीलिंग है अकारांत बुझीगल पूरी भाग गला एवं पढ़े कौन आकारांत आकारांत कौन हम स्त्रीलिंग हो कि स्त्रीलिंग शब्द है हाँ आकारांत पर देखा आकारांत आकारांत पर कौन कौन अच्छी देखा बालिका ना कि ताले प्रथम विभक्ति है कौन एक वचन रूप है बालिका किंतु तृतीय विभक्ति रूप कौन हो देखिए कौन ना बालिकया बालिकया बालिका भ्याम बालिका भीही सही परी माला कमती हम ना मालया माला भ्याम माला भी ताले आकारांत रे बालिका माला लता ना कि हम कि हम
ना तृतीय व्यक्ति हम बालिकया बालिका भ्यम बालिका भी गोटिए बालिका द्वारा दुईटी बालिका द्वारा अनेक बालिकांक द्वारा गोटिए माला द्वारा दुईटी माला द्वारा अनेक माला द्वारा सही परि ए लता मध्य हम जत सब थिबो आकारंत शब्द स्त्रीलिंगर जत को अछि आकारंत शब्द सब गुडीक एही परि हाबरे हेबो ताप देखिए आमे कोन ना दीर्घकारंत हला दीर्घकारंत शब्द को गुडा कपिल माने नदी जेंथि हबो सेमथि लेखनी हला लेखनी हला प्रथम विभक्ति एकवचन छ लेखनी तार तृतीय विभक्ति रे ता रूप कोन हबो लिखिबा आमे नकि लेख पिल माने तृतीय विभक्ति ता रूप हबो लेखन्या लेखनी भ्याम लेखनी भी हला सही परि हां अंकनी अंकनी केमथि हबो तृतीय विभक्ति रे अंकन्या अंकनी भ्याम अंकनी भी ताहले जतक थिबो दीर्घकरण शब्द लेखनी अंकनी नदी नकि ए सब हां जतक सब दीर्घकरण शब्द तार रूप तृतीय विभक्ति रे एक वचन रे दुई वचन रे बहुवचन रूप कि भली हबो मु लेखि देली त माने एक तबे मन दी एई गोटे दीटा मुखस कर देबा जतक थिबो बाकी सब ए जो दीर्घकरण शब्द तमनको आपे आपे आसी जीव बुझिला कि नहीं तापर पिला मन देखिबा ये गला कोन स्त्रीलिंग शब्द गला वर्तमान आमे लिखिबा कोन नपुंसक लिंग रे केमिति हुए नपुंसक लिंग बा त्रिलिंग रे कहंती नपुंसक लिंग बा क्लिपलिंग कौगुड़ाक जल फल पत्र पुष्प ना कि सूर्य चंद्र ये सब हूँ कौन हाँ नपुंसक लिंग बा क्लिपलिंग नपुंसक लिंग बा क्लिपलिंग तार मध्य तृतीय विभक्ति कि प्रयोग हुए मुझे लिखि दौची है आग लिखि दि कौन ना जलम तक प्रथम विभक्ति कौन हम ना जलम हला ना कि ताले तृतीय रे केमथि हबो जळेन जळा भ्याम जळहि तापर समथि हबो कोन प्रथम व्यक्ति रूप हला फलम तृतीय रे कोन हबो फळेन फळा भ्याम फल ही हला सेमथि हबो कोन पुष्पम रे केमथि हबो पुष्पेण पुष्पाभ्याम पुष्प ही मित्रम रे केमथि हबो मित्रेण मित्राभ्याम मित्र ही जतक थिबो सब कोन तमर नपुंसक लिंग बा क्लिपलिंग तार रूप तृतीय विभक्ति रे एही परि हबरे हेबो बुझि भले पिला माने वर्तमान देखिया आमे कोन ना तमर अछि कोन पुलिंग शब्द आयुर मध्ये होइ छि पुलिंग शब्द हर्षकारंत हला कवि ही केमथि हबो ना कवि ना कवि भ्याम कवि भी बुझल कि नहीं अतिथि ही केमथि हबो अतिथि ना अतिथि भ्याम अतिथि भी सेमथि गिरि ही गिरिणा गिरि भ्याम गिरि भी बुझला ताप देखिबा शिशु साधु गुरु ए तीनटा शब्द होछि हर्षकारंत पुलिंग शब्द नगे ताले शिशुटा तृतीय विभक्ति रे कि भली हबो ना शिशु ना शिशु भ्याम शिशु भी पशुटा केमथि हबो ना पशु ना पशु भ्याम पशु भी साधु केमथि हबो साधु ना साधु भ्याम साधु भी गुरु केमथि हबो ना गुरु ना गुरु भ्याम गुरु भी ताले एठे मु लिखि दउछि पुलिंग शब्द ना कि
पुलिंग शब्दर रूप कौटा जोटा अच्छे कवि कौन है कवि ना कवि भ्याम कवि भी ना कि सहीपर करापर हसौ कारंत रहीटा है कौन हसई कारंत ना कि देखा हसौ कारंत किए अच्छी ना साधु साधु कमी हम साधु ना साधु भ्याम साधु भी बुझला आगे कौन रुकारंत किए पितृर कौन हम पिता ना कि तृतीय विभक्ति रूप कौन हम ना पित्रा पितृभ्याम पितृभी है पे बुझीगला देख स्त्रीलिंग जो अच्छी दुर्घकरंत हर्षकरंत दुर्घकरंत हर्षकरंत कमी हम धेनु धेनुआ धेनुभ्याम धेनुभी आ दुर्घकरंत बधु बधुआ बधुभ्याम बधुभी ताले पिला माने तमे जहाँ लिखा हला हाँ जो गोटे गोटे कि दीदी उदाहरण देखू तुम भल कि मुखस करदेव तापरी आज जिते शब्द दब तुम मानक करने सहज लगे हो पाने नेक्स्ट क्लास को आम आगे पढ़ा धन्यवाद।